नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, अल्पता, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी का मतलब हुआ कि किसी कमी पर पॉलिटिक्स होना, राजनीति होना। जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं वो लिमिटेड होती हैं, और जो युवा हैं पढ़े लिखे वो ज़्यादा हैं, तो कम नौकरियां हैं, तो ये एक स्कैर्सिटी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के स्कैर्सिटी है, कमी है, कंपटीशन ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं। इसी प्रकार रिसोर्सेज, संसाधन, पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज को लेकर के स्कैर्सिटी, कमी। इसी तरह एजुकेशन, सबको शिक्षा नहीं मिल पाती उच्च कोटि की, क्वालिटी एजुकेशन, तो उसको लेकर के भी एक स्कैर्सिटी है। तो इन पर जब पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो दो राज्यों के बीच पॉलिटिक्स हो, रिसोर्सेज को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में पॉलिटिक्स होती है, झगड़ा भी होता है पानी को लेकर के, SYL, पानी को लेकर के झगड़ा है। केवल हरियाणा पंजाब में ही नहीं है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी को लेकर के झगड़ा चलता है। तो यहां पर भी क्या है, स्कैर्सिटी है, कमी है, तो इसको बोलेंगे पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी। जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी पॉलिटिक्स होती है कि रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में रिजर्वेशन, जो स्वर्ण जातियां हैं वो कहती हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, और जो जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन बना रहे, वो अपने आप को दलित कहते हैं, दलित यानी कुचला हुआ, जिनको कभी स्वर्ण जातियों के द्वारा कुचला गया था, जिनका शोषण किया गया था, उनको दलित कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी, उम्मीद है कि आपको इस टर्म के बारे में पता चल गया होगा। अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये टर्म यूज़ होती है, तो कभी भी ये टर्म यूज़ हो तो समझ जाना कि पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी क्या होती है। धन्यवाद।